आपका एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें आज का जो पार्ट है हमारा वो है हमारा 72 पार्ट है, ठीक है, पार्ट नंबर 72। और आज का जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा SI4, ठीक है। तो पहले हम SI4 की लोकेशन जान लेते हैं, फिर बात करेंगे उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर बेनिफिट की बात, इसकी लोकेशन की बात करें, तो ये हमारी जो ये रिस्ट ज्वाइंट जो होता है, इस रिस्ट ज्वाइंट से पहले हमारा ये यांग साइड पे, इस जगह पे ये SI4 पॉइंट होता है। अगर अपने हाथ में मैं बात करूं तो किस जगह पे मेरा पॉइंट होगा, मैं बना के बताता हूं। जैसे हमारा कलाई का ज्वाइंट है, तो यहाँ पे हमारी हड्डी है इस जगह, तो हड्डी से जस्ट जहां पे हमारी हड्डी है खत्म होती है, ये डिप्रेशन आपको दिखेगा हड्डी के पास में, उस जगह पे ये पॉइंट है, ठीक है। SI4 उस हड्डी के डिप्रेशन में ये पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा SI4 पॉइंट है, चार्ट्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक बार में समझ में आया हो, तो आप जो मैंने पॉइंट यहाँ पे बताया है, ये आप ऐसे हड्डी पे चलेंगे और ऐसे देखेंगे चेक करके, तो हड्डी जस्ट जहां पे खत्म होगी वहीं पे ये पॉइंट है। हल्का सा अगर दबाएंगे तो हल्का हल्का पेन भी करेगा, खुद चेक करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा SI4, ठीक है, फोर नंबर पॉइंट। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है उस पर चलते हैं, बेनिफिट्स, ठीक है। अगर किसी को छोटी उंगली में दर्द है, इस छोटी उंगली में, तो उसमें आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है, यानी कि हाथ की उंगली है जो आपकी, उसमें बेनिफिट करेगा, स्मॉल फिंगर पेन, ठीक है। उसके बाद नंबर टू, अगर किसी को जैसे डायबिटीज है, लोगों को शुगर जो होती है डायबिटीज, उसमें आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। डायबिटीज जिसे मधुमेह भी बोलते हैं, मधुमेह, शुगर, ठीक है, उसमें ये बेनिफिट देगा। तीसरा कि जिन लोगों को पैरालिसिस होता है और जो अपनी मुट्ठी को बंद नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ग्रिप नहीं जिनकी बन पाती है, उन लोगों को फायदा करेगा, ग्रिपिंग प्रॉब्लम ड्यू टू पैरालिसिस, यानी लकवे के कारण मुट्ठी बंद न होना, ठीक है। ये तीन इसके बेनिफिट हुए हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो हमें इसका ट्रीटमेंट करना कैसे है, वही तरीका रहेगा। ये हमें अपनी प्रोब लेनी है, स्टील प्रोब इसको बोलते हैं, इससे हम ये SI4 पॉइंट को 15 से 20 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, ठीक है। हर एक घंटे में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, हर एक घंटे में। उसके बाद क्या करेंगे कि जो लोग कहते हैं कि भाई हम दिन में एक या दो बार ट्रीटमेंट करेंगे, वो इसे 1 से 2 मिनट के लिए इस पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं अपने दोनों हाथों पे, ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। ये हमने कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो इस तरह की जो स्टार मैग्नेट होती है, स्टार मैग्नेट लेंगे और ये अपने SI4 जो पॉइंट है इस पे लगा देंगे रात को, ठीक है, रात को लगा देंगे और सुबह इसे हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। रात को लगाया, सुबह रिमूव कर देंगे, तो देखेंगे जितनी हमारी ये सारी प्रॉब्लम है, ये धीरे 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 अपने आप ठीक होती जाएंगी। लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले हमारी वीडियोज में डिस्क्रिप्शन में आपको डेली रूटीन की वीडियोज दी हुई है, उन वीडियोज को भी आप फॉलो करें कि आपका जो रोग का कारण है वो आपका धीरे धीरे रिमूव होता जाए। वो हमने लिंक दिया हुआ है, डेली रूटीन की वीडियोस को देखें, अपने रूटीन को समझें, अपने शरीर को समझें कि आपको कैसे खाना खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, उस पर बिल्कुल फोकस रखें। क्योंकि जब आप रोग के कारण को नहीं हटाएंगे तो आपको आराम तो मिल जाएगा लेकिन वो प्रॉब्लम दोबारा आ जाएगी, इसलिए रोग के कारण को भी हटाएं और फिर आगे आप ठीक हो जाएंगे और फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है दोस्तों, SI4 आज का पॉइंट था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं SI5 के साथ।